आज उत्तराखंड का बजट पेश होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि कल से ही जिस तरह से सत्र की शुरुआत हुई, उसके बाद आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश की जनता के लिए पिटारा खोलेंगे। 53,000 करोड़ का ये बजट बताया जा रहा है, जिसमें राजस्व बढ़ाने के लिए रोडमैप सरकार सामने रख सकती है। तो शाम 4 बजे वित्तीय वर्ष 2020-21 का आय व्यय प्रस्तुत होगा। सदन में उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट यहां पर रखी जाएगी। तो उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी इस दौरान प्रस्तुत होगा। तो सदन में हंगामे के पूरे आसार है, क्योंकि लगातार विपक्ष इस सत्र को आगे बढ़ाने की बात कह रहा है। उनका कहना है कि महज इतने दिनों में कुछ भी बजट को लेकर चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन इससे इतर आज उत्तराखंड के लिए बेहद अहम दिन, क्योंकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तराखंड की जनता के लिए उनका बजट सामने रखेंगे। आपको बता दें कि ये बजट इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि लोगों से फेसबुक के माध्यम से सीएम खुद मुखातिब हुए थे यहाँ पर, और लोगों से सुझाव यहाँ पर मांगे थे कि आखिरकार वो अपने बजट में क्या कुछ चाहते हैं, किस तरह की सहूलियत चाहते हैं और किस सेक्टर में चाहते हैं। इसी को लेकर कई तरह के सुझाव मिले, और कहना है यहाँ पर सरकार का कि जो भी सुझाव जनता से मिले हैं, उन सभी सुझावों को कोशिश की गई है कि इस बजट में सम्मिलित किया जाए। तो प्रदेश की जनता का ये बजट बताया गया है, 53,000 करोड़ का बजट, जो कि फिलहाल जानकारी जिस तरह से मिल रही है, और कोशिश यहाँ पर ये कि राजस्व बढ़ाने के लिए रोडमैप को सामने यहाँ पर रखा जाएगा सरकार की तरफ से। तो शाम 4 बजे वित्तीय वर्ष 2020-21 का आय व्यय प्रस्तुत होगा। सदन में उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि यहाँ पर रखी जाएगी, और सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी यहाँ पर प्रस्तुत होगा, और हंगामे के पूरे आसार सदन में। और अजीत कंबोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ गए हैं। अजीत, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि लगातार भरोसा यहां पर जिस तरह से त्रिवेंद्र सरकार पर कर रही है जनता, और विकास को लेकर जिस तरह से दावे यहां पर सरकार कर रही है, उस पर एक बार फिर से भरोसा किया गया है, और उम्मीद यही है कि आज जब सीएम का पिटारा खुले तो जनता के लिए कुछ अच्छा ही निकले। बिल्कुल, जिस तरह से आम बजट आज पेश होने जा रहा है, और बतौर मुख्य वित्त मंत्री मुख्यमंत्री, अजीत आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आम बजट प्रस्तुत करेंगे। सरकार की कोशिश होगी कि कैसे आम जनता को लोक लुभावनी योजनाएं की सौगातें दी जाए बजट के माध्यम से। सरकार ने जो दावे किए हैं उसमें तमाम जो ऐसी चीजें हैं वो सबके सामने होंगी, चाहे उसमें बिजली सड़क पानी की बात हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, तो तमाम चीजों का सवाल में आज के आम बजट में मिलेगा। और जिस तरह की जानकारी मिली है विभागीय सूत्रों से, 53,000 करोड़ के लगभग का ये बजट होगा, पिछले साल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होगा, 100% ज्यादा का आम बजट। तो सरकार की कोशिश है की जनता को सौगात दी जा सके बजट के माध्यम से, उसी को लेकर आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री बजट। बिल्कुल, लेकिन अजीत अजीत जहां एक तरफ विपक्ष इसलिए हमलावर है कि सत्र बहुत छोटा यहां पर रहा है, थोड़ा बड़ा किया जाना था अगर चर्चा करनी है बजट को लेकर, तो दूसरी तरफ बजट को लेकर इसलिए भी हमलावर, उनका कहना है कि 3 साल तो ऐसा कुछ जनता को दिया नहीं, चौथी साल क्या उम्मीद की जाए। बिल्कुल, विपक्ष लगातार हमलावर रहा, सुबह से लेकर देर शाम जब तक सदन स्थगित नहीं हुआ, विपक्ष का सत्र की चलिए। धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत बहुत अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।